तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं ड्राइविंग से जुड़ा हुआ एक सीरीज चला रहा हूं अभी, और उसी सीरीज में लेसन 7 में आज पहुंच चुका हूं, जिस लेसन 7 में मैं बताने वाला हूं कि गाड़ी को बैक कैसे करें और बैक करते करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप सही और सिस्टमेटिक बैक कर पाएंगे बिना अपने गाड़ी को नुकसान पहुँचाए हुए। तो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राइडर अमित में। बैक करते समय कभी भी एक्सेलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि अभी के सभी गाड़ियों में RPM इतना ज़्यादा होता है कि वो क्लच छोड़ने के साथ साथ ही मूव करना चालू कर देती है। बात सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बैक करते समय बहुत लोगों में, बहुत नए चालकों में कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्टेयरिंग को किधर टर्न करूँगा तो गाड़ी किधर जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखें कि जिस डायरेक्शन में आगे स्टेयरिंग काम करती है, ठीक उसी डायरेक्शन में पीछे भी काम करती है। मतलब कि अगर दाहिना टर्न करते हैं तो गाड़ी दाहिने जाएगी, ठीक उसी तरह अगर दाहिना टर्न करके बैक करते हैं तो गाड़ी पीछे से भी दाहिने में ही जाएगी, और अगर लेफ्ट टर्न करते हैं आप स्टेयरिंग को तो पीछे से ही लेफ्ट में ही जाएगी। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को अच्छी तरह से दिमाग में आप बैठा लें कि जैसे स्टेयरिंग आगे के लिए काम करती है चलने के लिए, ठीक उसी तरह स्टेयरिंग पीछे में भी काम करती है। सबसे पहले अपने दोनों साइड के ORVM और IRVM को सेटिंग कर लें। ये सेटिंग कैसे करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अवश्य देखें। मूल रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जब तक आप सही से देखेंगे नहीं, देख नहीं पाएंगे, तब तक आप सही से बैक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला इसके लिए आप जैसे देख लें ऐसे देख लें, ऐसे देख लें, या फिर गर्दन निकाल के देख लें। हाँ, प्रेस्टीज पे मत जाइएगा कि भाई गर्दन निकाल के देखेंगे तो हम छोटे ड्राइवर हो जाएंगे। जी हाँ, जो छोटे होते हैं वही एक दिन बड़े भी होते हैं, इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार लुकिंग ग्लास को सेटिंग करने के बाद, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं किसी ऐसे जगह को जो देखना ज़रूरी है, तो आप गर्दन निकाल के भी देख सकते हैं। वह करते समय एक और, सबसे पहला दिन आप लोग जो बैक करने का जो अभ्यास स्टार्ट करें, तो पहला दिन ये कोशिश ये करें कि एकदम सीधी लाइन में, एक लाइन में ही बैक करें, गाड़ी को ज़्यादा लेफ्ट राइट ना करें, और कोशिश करें कि सीधा ही बैक करें। अभी बैक करके पार्क करना या फिर कुछ सब का अभ्यास ना करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितना स्लोली बैक करेंगे उतना अच्छा बैक करेंगे दोस्तों। तो बिना बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने गाड़ी स्टार्ट किया, गियर लगाया और अब क्लच छोड़ना चालू कर रहा हूँ। देखिए गाड़ी पीछे की ओर जानी चालू हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बैक करते समय आप लोग ध्यान रखें, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट साइड वाले लुकिंग ग्लास में देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमने ज़्यादा जगह ले कर रखा हुआ है। गाड़ी का जो पीछे से जो कैमरा लिया हुआ है उसमें देखिए आप लोग कि लेफ़्ट साइड में हमने ज़्यादा जगह लेके रखा हुआ है, और राइट साइड में बिल्कुल रास्ते के अंतिम छोर से मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, बैक करने का सबसे सही उपाय यही है कि दाहिने साइड में आप कम से कम जगह को छोड़ें। तो इससे होता ऐसा है कि आपके बैक करने का अंदाज परफेक्ट होता है, आपको पता होता है कि बाएँ बगल मेरा जगह कितना है, चूँकि दाहिना बगल आपने काफ़ी दबा के गाड़ी लेके आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा अगला आने वाला वीडियो मिस ना करें। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो फिर कभी भी आपको बैक करने में असुविधा नहीं होगी, ये मेरा दावा है। वैसे एक क्लिप दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेसन में, अभी तो ड्राइविंग का ही सीरीज चल रहा है, तो मिलते हैं किसी अपने नए लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।